अवतार द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर रिलीज हो गया और इसको देखने के बाद लग रहा है कि मामला काफी गंभीर है और इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा खराब है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अवतार द वे ऑफ वाटर पार्ट 2 होने वाली है। इसका पहला पार्ट हमें 2009 में देखने को मिला था, जिसका नाम अवतार था और इसके पहले पार्ट को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और उसका CGR VFX और उसका विजुअल तो एकदम खतरनाक था और उस समय इसके CGR VFX से काफी ज्यादा तारीफें हुई थी और आज भी इसके CGR VFX को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि यह 2009 की मूवी है। बात करें अवतार पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 की स्टोरी टेक प्लेस करेगी अवतार 1 के इवेंट के 14 साल बाद, जहां हम देखते हैं कि जेक शिली और नेत्री के बच्चे हो गए हैं और उनके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, मतलब वो अपने टीनेज में हैं और वो लोग अपनी लाइफ काफी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। लेकिन एक दिन कुछ इंसान वापस से उनके गांव पर हमला करते हैं और वो लोग जैक ली के गांव को जला देते हैं, जिसके वजह से उनको अपने गांव छोड़कर जाना पड़ता है और वो लोग दूसरे कबीले की तरफ जाते हैं उनसे हेल्प मांगने के लिए। लेकिन उस कबीले का लीडर उनसे फाइट करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे वजह से हमारा कबीला भी खतरे में पड़ जाएगा। देखो, मूवी की स्टोरी तो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है और पूरी स्टोरी तो हमें मूवी देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इसमें कुछ अंडर वाटर शॉट्स भी हमें दिखाया गया है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है और एकदम रियल लग रही है। एक सीन में हम ये भी देखते हैं कि जैक ली की बेटी कीरी के पास कुछ पावर्स भी है और वो कहती है कि मैं किसी के हार्ट बीट को भी सुन सकती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास नेचर को कंट्रोल करने की कुछ पावर्स हैं, जो कि मैं मूवी में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और अवतार द वे ऑफ वाटर में अवतार के एक्सप्रेशन को पहले से काफी ज्यादा अच्छा कर दिया गया है, मतलब उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन हम पहले से ज्यादा अच्छे तरह से देख सकते हैं और ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि मामला काफी गंभीर है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेत्री का इस मूवी में डेथ हो जाएगा, क्योंकि वो कहती है कि मैं अपने गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूं। और हम एक सीन में देखते भी कि उसके गांव में आग लग गया है और जब जेक सिल दूसरे कबीले में जाता है तो हमें नेत्री का कोई भी सीन नहीं दिखाया जाता है, तो हो सकता है कि इस मूवी में नेत्री का डेथ हो जाए। और जब अवतार मूवी रिलीज हुई तो ये मूवी दुनिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी, मतलब अवतार मूवी ने दुनिया में सभी मूवी से सबसे ज्यादा पैसा कमाया था। लेकिन बाद में अवेंजर एंड गेम ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो अब ऐसा हो सकता है कि इसका पार्ट 2 अवेंजर एंड गेम का भी रिकॉर्ड तोड़ दे और एक बार फिर से अवतार वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन जाए। आपको इस मूवी का ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।